अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय चैनल क्रिकेट फुटशर। दोस्तों आज बात करेंगे पाकिस्तान मीडिया के बारे में। यकीनन दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि पाकिस्तान मीडिया अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट है क्रिकेट एक्सपर्ट है वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी अफगानिस्तान क्रिकेट के असली फैन है तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों अगर बात करें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में, तो दोस्तों जिस तरह आप ये जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ही ग्रुप में है, यानी T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों के दरमियान एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जो यकीनन एक बहुत बड़ी राइवलरी ही अरसे से। और यकीनन दोस्तों पाकिस्तानी फैंस हर बार अफगानिस्तान के साथ मुकाबला एंजॉय करते हैं, यानी दोस्तों बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का एक बड़ा मुकाबला है, इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी एक बहुत बड़ा मुकाबला है जिसके लिए बहुत फैंस बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें मीडिया के बारे में, तो दोस्तों मीडिया भी इस खबर को बहुत ज्यादा चला रही है। दोस्तों अगर पाकिस्तानी मीडिया के बारे में बात करें, दोस्तों वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान टीम एक बहुत ज्यादा मजबूत टीम है, उसके साथ टॉप स्पिनर है। अगर बात करें राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें शोएब अख्तर ने, तो दोस्तों शोएब अख्तर ने भी अफगानिस्तान टीम की एक बहुत अच्छी तारीफ की। दोस्तों उसने कहा कि पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान दोस्तों सेमीफाइनल जाएंगे, यानी दोनों तीनों बहुत मजबूत टीम है। लेकिन दोस्तों शोएब अख्तर को एक बात की पता नहीं है कि एक ग्रुप से सिर्फ दो टीम जा सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों शोएब अख्तर ने भी अफगानिस्तान टीम की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। और दोस्तों अगर बात करें रमीज राजा, जो अभी पाकिस्तान यानी PCB के चेयरमैन है, दोस्तों इसने PSL में अफगान खिलाड़ियों का बहुत ज़्यादा तारीफ किया था। दोस्तों उसने हज़रतुल्लाह अज़ाज़ई की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, जिस तरह PSL में उसने अपनी परफॉर्मेंस पेश की थी। और दोस्तों वहाँ पर भी उसने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हर लिहाज से एक अच्छे हिटर भी है, एक अच्छे स्पिनर्स भी है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को शिकस्त दे सकती है T20 क्रिकेट में। यानी दोस्तों अगर बात करें T20 क्रिकेट एक बहुत अच्छा गेम होता है, यानी दोस्तों इसमें कई अपसेट कर सकती है, और दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान को बीट भी कर सकती है, यानी बड़े आसानी से भी बीट कर सकती है, बड़ा चांस बन सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है T20 क्रिकेट में। और यही पाकिस्तानी मीडिया का भी दावा है कि अफगानिस्तान टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है T20 क्रिकेट में, वो हर टीम को बीट कर सकती है। तो दोस्तों ये ज़रूरी खबर आपको बताई थी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आप लोग के हिसाब से क्या लगता है कि क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में शिकस्त देगी, यानी T20 वर्ल्ड कप में? अपना रिकमेंड बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।